अगर आप इस अफोर्डेबल प्राइस में 8K एक्शन कैमरा लेना चाहते हैं तो मिलिए डिजिटेक के इस एक्शन कैमरा से, जो कि अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आता है। और इस एक्शन कैमरा के साथ में हमें बहुत सारी एक्सेसरीज भी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इस एक्शन कैमरा को टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ये फिर पता लगाते हैं कि क्या हमें इस एक्शन कैमरा को लेना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए। अब एक बात तो आप सभी जानते होंगे कि एक्शन कैमरा बहुत ही अधूरा होता है एक्सेसरीज के बिना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एक्शन कैमरा के साथ में इन दी बॉक्स एक्सेसरीज हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स के अंदर आपको एक स्पेशल तरह का जो है कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली ये केस है जिसके अंदर सारी एक्सेसरीज आती है, और उसके अंदर हमें पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे सारी एक्सेसरीज को हम स्टोर करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं अगर आप एक्शन कैमरा को ट्रैवल करते वक्त ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बात करें एक्सेसरीज की, तो आपको यहाँ पे मिलता है हैंडल बार माउंट, दो मिलती है बैटरीज, एक मिलता है बकल माउंट, एक है यूनिवर्सल स्क्रू अडेप्टर, एक माउंट मिलता है, एक हेलमेट माउंट है, दो जो है 3M एडहेसिव टेप है, एक टाइप सी चार्जिंग केबल है, चार आपको जो है बैंडेज मिलती है, और एक मिलता है यूज़र मैनुअल। तो ये सभी एक्सेसरीज आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलती है। और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, आपको कोई भी जो है अंडर वाटर शूट करने के लिए हाउसिंग नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि इस कैमरा की जो बॉडी है वो वाटर प्रूफ है, तो आप इस कैमरा को बिना केस के अंडर वाटर जो है यूज़ कर सकते हैं। और बात करें बैटरी की परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्शन कैमरा में, आपको इस एक्शन कैमरा में 1350 यानी कि 1350 mAh की बैटरी जो है देखने को मिलती है। आपको इसमें दो बैटरी मिलती है, तो इस तरह से आप डिसेंट बैटरी बैकअप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बात करें SD कार्ड की कैपेसिटी की, तो आप 128 GB का SD कार्ड इसमें मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैमरा में आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो 6 एक्सेस गायरो स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। एंड गाइज, इस एक्शन कैमरा में हमें HDMI आउटपुट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, तो यहाँ पर हमें कैमरे के सामने की तरफ मिलती है एक डिस्प्ले जहाँ पर आप ब्लॉगिंग करते वक्त देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो है पूरा फ्रेम कैप्चर कर रहे हैं। इसी के ठीक साथ में है कैमरा सेंसर। और बात करें बटन कंट्रोल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ है दो बटन कंट्रोल, एक है पावर बटन और एक है दूसरा बटन जिससे आप रिकॉर्डिंग या फिर बाकी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको अगर आप इसको टच स्क्रीन से ऑपरेट नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे अप एंड डाउन के दो बटन देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से आप इस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ है बैटरी कंपार्टमेंट जहाँ पे बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं, और SD कार्ड भी इसी कंपार्टमेंट में ही आता है। और नीचे की तरफ आपको डायरेक्ट यहाँ पे अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि थ्रेड होल दिया गया है जहाँ पे आप डायरेक्टली ट्राइपॉड को या फिर किसी भी एक्सेसरी को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसी के ठीक साथ में हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे टाइप सी और एक और पोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन का ओवरव्यू है। बात करें टच स्क्रीन को, तो यहाँ पे हमें टच स्क्रीन मिलती है जो कि फुल्ली टच स्क्रीन है, मल्टी कलर आपको यहाँ पे टच स्क्रीन देखने को मिलती है जहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल आपका जो यूसेज एक्सपीरियंस है इस टच स्क्रीन से एनहेंस होता है। और बात करें ओवरऑल टच स्क्रीन की, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कोई भी यहाँ पे टच स्क्रीन में लैगिंग हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये है इसका कंप्लीट डिज़ाइन का ओवरव्यू। अब किसी भी एक्शन कैमरा में दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप कोई भी एक्शन कैमरा बाय करें, ये दो तीन चीज़ें ज़रूर देखा करें, जिसमें सबसे पहला है रेजोल्यूशन। तो इस एक्शन कैमरा में जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो मैक्सिमम जाता है 8K 30 में। उसके बाद अगर आप 6K में शूट करते हैं तो 6K में भी 30 में जाता है, और अगर आप 4K में शूट करते हैं तो 4K 60 में जाता है। तो इस तरह से आपको फ्रेम रेट में अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरी हमें जो चीज़ टेस्ट करनी चाहिए वो है एंगल। इस तरह से आपको जो है 3 से 4 यहाँ पे एंगल देखने को मिलते हैं, जो कि है सुपर वाइड, वाइड, मीडियम एंड नैरो, जिसमें आपको अलग अलग जो है डिस्टोर्शन या फिर ओवरऑल जो है पर्सपेक्टिव में फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सेटिंग में माइक्रोफोन की सेटिंग में जाना और यहाँ पे एक्सटर्नल को चूज़ करना है। इसके बाद आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन को इसके साथ लगा सकते हैं। बाकी जो कंप्लीट UI है बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप ईजिली इसको जो है समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन जो है ऑन और ऑफ करने का स्विच भी देखने को मिलता है। तो इस कैमरा में आपको डेडिकेटेड इमेज स्टेबलाइजेशन जो कि डिजिटल होती है वो भी आपको ऑफर की गई है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट UI का ओवरव्यू है, जिसमें आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इस कैमरा को ऑपरेट करना है, कौन कौन से इसमें रेजोल्यूशन ऑफर किए गए हैं। चलिए गाइस, अब करते हैं इस एक्शन कैमरा को टेस्ट। इससे मैं व्लॉगिंग के शॉट लेता हूँ और आपको कुछ वैसे भी जेनरिक शॉट दिखाता हूँ, जो हम कहीं घूमने जाते हैं तो पैन मूवमेंट वगैरह करते हैं ना, इस तरह के जो शॉट्स होते हैं वो मैं आपको इससे लेके दिखाता हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे स्टेबलाइजेशन कैसी आती है, स्किन टोन कैसी है, या फिर ओवरऑल आप इस एक्शन कैमरा से किस तरह की वीडियो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी गाइज, ये शॉट हमने डे लाइट सिचुएशन में यानी कि सनलाइट में लिए हैं। अगर आप इस एक्शन कैमरा को डे लाइट में हैंड हेल्ड यूज़ करते हैं और एक
जो है डिसेंट सी स्टेबलाइजेशन के साथ में इसको जो है मूवमेंट देते हैं कैमरा को, तो आपको मिलने वाली है इस तरह की परफॉर्मेंस। बाकी कलर्स, सेचुरेशन, ओवरऑल जो वीडियो में डिटेल है या फिर एक वीडियो क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से जो भी हम चीज़ें टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन हो गया, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन भी यहाँ पे 8K में शूट किया है, वो सारी चीज़ें किस तरह की हैं आपको इस वीडियो शॉट से डेफिनेटली या फिर इन सभी जो है शॉट से डेफिनेटली आइडिया हो रहा होगा। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एक्शन कैमरा से अगर आप डे लाइट सिचुएशन में शूट करते हैं। और ये जो एक्शन कैमराज होते हैं ना, इनका सेंसर साइज छोटा होता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जब भी आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी लाइटिंग कंडीशन में यूज़ करें। जितनी अच्छी लाइटिंग कंडीशन होगी उतनी ही बढ़िया आउटपुट निकल के आएगी। अब मैंने जो शॉट लिया ना, मैंने भरी दोपहर में लिए जिसमें बहुत तेज सनलाइट है, तो आपको दिख रहा होगा कितनी जो है क्रिस्प क्वालिटी आई है एक एक्शन कैमरा की पर्सपेक्टिव से, या फिर कितनी जो है शार्प वीडियो इस एक्शन कैमरा में निकलती है। तो इस तरह से आपने जो है डे लाइट सिचुएशन में इस एक्शन कैमरा को यूज़ करना है। तो अगर आप इस कैमरा से नॉर्मल शॉट लेते हैं, जैसे कि आपने पैन मूवमेंट करी या फिर कहीं पे आप घूमने गए हैं वहाँ पे आप वीडियो बनाते हैं, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आएगी आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा। लेकिन गाइज अब मैं इससे आपको व्लॉगिंग करके दिखाता हूँ और ये देखते हैं व्लॉगिंग में कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद इसकी स्टेबलाइजेशन भी टेस्ट करते हैं। सो गाइज ये है इस कैमरा से व्लॉगिंग परफॉर्मेंस। अगर आप इस एक्शन कैमरा से व्लॉगिंग वीडियोज बनाते हैं हैंड हेल्ड, और अगर आप स्टेबलाइजेशन देखना चाहते हैं कि इस तरह से एक्शन कैमरा देता है, प्रोवाइड करता है, तो आप गाइस इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो हैंड हेल्ड बना रहा हूँ और अभी सनलाइट डायरेक्टली मेरे फेस पर है। इस तरह से गाइस ये जो है एक्सपोजर को एडजस्ट करता है। यहाँ पे आप स्किन टोन देख सकते हैं, क्लैरिटी देख सकते हैं किस तरह से कैमरा जो है क्लैरिटी प्रोड्यूस करता है, एंड ओवरऑल आप किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो शॉट से, आप डेफिनेटली जो है आइडिया लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग जो है आपको शॉट कैप्चर करके दिखाए हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप कितना मैक्सिमम जो है वाइडेस्ट व्यू इसमें कैप्चर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप नैरो करते हैं तो आपको कितना जो है पर्सपेक्टिव में फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चार मोड देखने को मिलते हैं, चारों में से आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ करके सूटेबल जो पर्सपेक्टिव है उसमें शूट कर सकते हैं। अब इन दोनों शॉट्स में देखो गाइस, एक तरफ मैंने स्टेबलाइजेशन ऑफ करी है, एक तरफ ऑन करी है। आपको इसकी स्टेबलाइजेशन एक्चुअल में कितना बेनिफिट देती है आपको इन शॉट से डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब स्टेबलाइजेशन ऑफ करे तो कितने वीडियो में जर्क आ रहे हैं, बिल्कुल अनप्रोफेशनल वीडियो लग रही है। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करी सेक्शन कैमरा में, तो काफ़ी हमें डिसेंट स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है एक्शन कैमरा के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरह से इस कैमरा में जो स्टेबलाइजेशन है काम करती है, आप समझ सकते हैं डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है। अब कुछ फीचर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला है इसकी जो बॉडी है वो वाटरप्रूफ है, यानी कि आपको कोई भी स्पेशल हाउसिंग की यहाँ पे नीड नहीं पड़ने वाली। अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी शूट करने जा रहे हैं और आप अंडर वाटर शूट करना चाहते हैं या फिर बारिश आ गई, उस तरह की सिचुएशन में आपको यहाँ पे हाउसिंग लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। ये जो बॉडी है ये वाटरप्रूफ है एक लिमिट तक। इसके अलावा आपको गाइस इस एक्शन कैमरा के साथ में ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आपको आई स्मार्ट DV2 इस तरह से जो है ऐप डालने पड़ते हैं, जो कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्राइस की। तो गाइस प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इस प्राइस रेंज में हमें ये एक्शन कैमरा देखने को मिलता है। आपको प्राइस के अकॉर्डिंग इस एक्शन कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी लगी मैं आपका रिव्यू जो है ज़रूर जानना चाहूँगा, या फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है इस एक्शन कैमरा को लेके क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए याद से हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक आती रहे।